नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन में है कि ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ इट्स टू एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। देखिए फ्रस्टम होता क्या है। फ्रस्टम मान के चलते हैं कि एक कोन है, कोनिकल शेप में कोई चीज हो, ठीक है ना। एक कोनिकल शेप में कोई चीज मैं मान के चलता हूं कि कोन है, ठीक है, और इसको मैं यहां से कट कर दूं, कट करके ये पोर्शन हटा दूं, तो इस कोन का जो ये पार्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, फ्रस्टम हो जाएगा। अब ये चीज कट के हट जाती है तो ये फ्रस्टम कहलाता है। ग्लास का शेप भी कुछ ऐसा ही है। इस ग्लास के शेप को आप क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं, और हिंदी में इन्हें छिन्नक कहते हैं। ठीक, कोन के वॉल्यूम से ही इसका वॉल्यूम जो है डिराइव हुआ है। अरे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लें। तो डी वन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। डी वन मतलब डायमीटर, तो इसका आर वन रेडियस कितना जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मेरे पास D2 गिवन है, D2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पर R2 लिख दूं, R2 के लिए 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मेरे को R1 और R2 मिल गया, और इसकी हाइट भी गिवन है, हाइट, ठीक है, हाइट को ऐसे आप निरूपित करेंगे, और ये मेरे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कोण का वॉल्यूम क्या लगाते हैं, फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर क्या लगेगा, तो आप लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ ग्लास, इसी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे, इसी को हम कैपेसिटी कहेंगे। तो यहां पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/3, यहां पर 1/3 फार्मूला लगाइए आप, 1/3 क्या लगा देंगे, 1/3 के बाद क्या लगाया, पाई लगा दिया हमने, एच लगा दिया। अब आप कहेंगे सर आर कहाँ गया, आर के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप लिखेंगे आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू लगा देंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोण का वॉल्यूम होता है 1/3, यहाँ पर है पाई भी एच है, लेकिन यहाँ पर दो आर है, तो इस दो आर के लिए क्या करेंगे, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू कर दें। देखिए 1/3 पाई की वैल्यू को आप 22/7 भी रखें, एच आपके पास 14 गिवेन है, आर वन पर आपको 2, आर वन कितना है 2 है, तो 2 होल स्क्वायर, दिस इज 1 होल स्क्वायर प्लस 2 × 1, क्लियर हो गया। 7 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, अब आपके पास कितना हो गया, 44/3, यहां पर 2 × 2 = 4 प्लस 1 प्लस 2 × 1 = 2। देखिए 4 × 2 = 6 and 1 = 7 कितना हो गया, 44 × 7/3, यहां से कैंसिल नहीं हो रहा है, 7 × 4 = 28 कैरी 2, 28 × 2 = 30/3। इसको चाहे तो आप पॉइंट में ले जाएं या फिर आप फ्रैक्शन में कर दें, इसका कोई इश्यू नहीं है। 3 × 1 = 3, 0 × 3 = 6, 2 remainder हो गया 3, 102 सेंटीमीटर, 102/3 cm³, इस ग्लास की कैपेसिटी होगी। इसके अंदर जो वाटर आएगा वो 102/3 cm³ आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रस्टम का फॉर्मूला कोई बहुत टफ फॉर्मूला नहीं है, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। अगर आपको फ्रस्टम में दो रेडियस गिवेन होंगे, एक हाइट गिवेन होगी, और आप उससे वॉल्यूम बड़े इजिली वे में फाइंड कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स टू वॉच।